नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट टॉक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसे बॉलर्स के बारे में जिनको केकेआर चाहेगा आने वाले आईपीएल 2020 के ऑक्शन में खरीद के टीम में शामिल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2012 एंड 2014 में आईपीएल का ट्रॉफी जीतने के बाद काफ़ी साल हो गए केकेआर के तरफ से उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। 2019 के आईपीएल में केकेआर के टीम से एक ही प्लेयर अपना 100% दिखाए थे और वो है आंद्रे रसेल। केकेआर के 2019 के स्क्वाड में ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई भी गेंदबाज फिलहाल मौजूद नहीं है। सिर्फ दो ही ओवरसीज गेंदबाज है, वो है हैरी गार्नी एंड लॉकी फर्गूसन। तो आईपीएल 2020 के लिए केकेआर जरूर अपने बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जिन बॉलर्स को केकेआर खरीदना चाहेंगे उनके लिस्ट में पहले स्थान पर है मिचेल स्टार्क। दोस्तों, 2018 के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने इस प्लेयर को 9.4 करोड़ में खरीद के टीम में शामिल किया था, लेकिन चोट के कारण वो एक भी मैच खेलने में नाकाम रहे। 2019 के वर्ल्ड कप के लिए इस साल आईपीएल में वो मौजूद नहीं थे। तो 2020 के ऑक्शन में केकेआर जरूर कोशिश करेगा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये बॉलर को टीम में शामिल करने की। अब नंबर दो के स्थान पर है इंग्लैंड का ऑलराउंडर क्रिस ओक्स। क्रिस ओक्स पहले भी केकेआर के लिए खेल चुका है, तो केकेआर टीम के लिए उनके एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले आईपीएल ऑक्शन में केकेआर की टीम मैनेजमेंट का नज़र इस बेहतरीन ऑलराउंडर के ऊपर जरूर रहेगा। अब नंबर तीन पे स्थान पे जो है वो है न्यूजीलैंड के मैट हेनरी। मैट हेनरी 2019 के वर्ल्ड कप में लाजवाब फॉर्म में नजर आए, तो केकेआर के टीम मैनेजमेंट 2020 के आईपीएल के लिए लॉकी फर्गूसन के बदले में इस प्लेयर को टीम में खरीद सकता है। अब नंबर फोर पे जिस बॉलर के ऊपर केकेआर का नज़र रहेगा वो है ऑस्ट्रेलियन का युवा बॉलर जय रिचर्डसन। ये प्लेयर को वर्ल्ड कप 2019 के ऑस्ट्रेलियन टीम में मौका मिला था, लेकिन चोट के कारण टीम से बाहर होना पड़ा। बॉलिंग के साथ साथ ये प्लेयर थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो केकेआर जरूर चाहेगा इस तरह का प्लेयर के लिए भारी भीड़ मारा जाए। आखिर में है इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट। ये प्लेयर मिडिल ओवर स्पेशलिस्ट है, इस साल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए बहुत सारे विकेट लेते नजर आए, तो केकेआर टीम मैनेजमेंट की नज़र इनमें जरूर रहेगा। तो दोस्तों, ये था वो पांच प्लेयर जिनके ऊपर केकेआर का नज़र रहेगा। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्लेयर के ज़्यादा ज़रूरत है केकेआर टीम में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।